नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुल चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो भाई नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो फेसबुक पर देखने वाले फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आइसर के ट्रैक्टर दिखाऊंगा, स्पेशल आइसर। छोटे से लेकर बड़े तक के सभी ट्रैक्टर अवेलेबल हैं आइसर के। आइसर 242, आइसर 333 और फिर आइसर 333 और आइसर 485 और आइसर 551। महिंद्रा की अलग वीडियो आएगी, इस वीडियो में आपको आइसर के ट्रैक्टर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं लोकेशन बता देता हूँ। लोकेशन है विलेज बिंडू खड़क, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड। तो सभी ट्रैक्टर गांव बिंडू खड़क में खड़े हैं, उत्तराखंड में, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करता हूँ आइसर 242 से। आइसर 242 है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन का ट्रैक्टर, 2017 मॉडल है, लेकिन कंडीशन ले रहा पूरी 95%। अगर मैं इसके टायरों की बात करूँ, टायर भी लगभग इसके 85 से 90% टायर हैं, 7 के ही। अगले टायर भी 7 के ही लगभग इतने ही है। साफ बहुत है ट्रैक्टर, ये देख लो आप, बहुत ही साफ ट्रैक्टर है। फ्रंट में देख सकते हैं बम्फर लगा हुआ है और लोकल नंबर है दोस्तों, ये UP 19 शामली का नंबर है। ट्रैक्टर का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, नाम करवाने का खर्चा भी कम हो जाएगा और ट्रैक्टर की डिमांड है इसकी 2,95,000 रुपये। दोस्तों मीटर अगर आपको दिखाऊं तो मात्र 800 घंटे ट्रैक्टर चला हुआ है, ये देख लो आप, 800 कुछ घंटे चला हुआ है, 800 घंटे ट्रैक्टर का अब तक बिगड़ा कुछ नहीं। बैक साइड से देख लो आप, फट्टी हिच सब कुछ है, साफ कंडीशन का ट्रैक्टर। किसी भाई को ज़रूरत होगी संपर्क कर लेना, बाकी इन्फॉर्मेशन कॉल करके लेना, नंबर आपको टाइटल में मिलेगा। अगला ट्रैक्टर आइसर 333 सुपर प्लस, देख लो छतरी वतरी से फिट है, कंडीशन इसकी भी ज़बरदस्त है। फ्रंट टायर की अगर बात करूँ, फ्रंट टायर है इसमें दोस्तों लगभग 85% और बैक टायर भी लगभग इसके 85% है। ट्रैक्टर साफ सुथरा है और ड्यूअल क्लच के साथ में ट्रैक्टर है, हाइड्रोमेटिक एंटी, 2018 मॉडल, 3,75,000 रुपये का की डिमांड है। किसी भाई को ज़रूरत होगी संपर्क कर लेना। बैक साइड से दिखवा दो एक बार, ये देख लो हिच अभी उतरा रखा है, हिच मिलेगा आपको, फट्टी सब कुछ लगा हुआ है, साफ ट्रैक्टर है। आइसर 333 ही एक और ट्रैक्टर है इनके पास, ये देख लो, बम्फर से बम्फर लगा हुआ है, लंबी सपोर्ट का, बहुत ही हैवी छतरी लगी हुई है मोटे डंडों की, ये देख लो आप, बहुत ही हैवी बम्फर लगा हुआ है, लगभग 15,000-20,000 रुपये का बम्फर बम्फर है ट्रैक्टर पर। ट्रैक्टर है ये भी 2018 मॉडल, इसकी डिमांड है 3,80,000 रुपये की, साफ ट्रैक्टर है। टायरों की कंडीशन इसकी भी लगभग 80% है, ये देख लो आप। ये दोस्तों सिंगल क्लच के साथ में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर साफ सुथरा है ये भी। आइसर 333 ये 35 HP में आता है, ये देख लो, 3,75,000 रुपये की डिमांड है, ये भी 800 घंटे करीब चला हुआ है। अगला ट्रैक्टर है आइसर 485 HD, 2019 मॉडल, 4,35,000 रुपये मिलेगा ये आपको। टायरों की बात करूँ, टायर इसमें बच रहे लगभग 75%, ओवरऑल कंडीशन ट्रैक्टर की सही है, कहीं से खुला बना नहीं, पूरा का पूरा ट्रैक्टर सील्ड है, ये देख लो आप, पूरा का पूरा ट्रैक्टर सील्ड है। फ्रंट टायर है इसमें लगभग, ये भी 85% है, कंडीशन आपके सामने है, ड्यूल क्लच के साथ में, ये भी ट्रैक्टर बढ़िया है ये भी, ये देख लो आप, पूरा का पूरा ट्रैक्टर सील्ड है जी, कहीं से खुला बना नहीं, 2019 मॉडल, 4,35,000 रुपये की डिमांड है। बाकी आपका मान सम्मान कम हो जाएगा, आप कॉल कर लेना या डायरेक्ट संपर्क कर लेना विलेज बिंडू खड़क में। अगला ट्रैक्टर है जी आइसर 551, ये देख लो कितना साफ ट्रैक्टर है, टॉप मॉडल ट्रैक्टर है, फ्रंट टायर है 750/16 के लगभग 90% और बैक टायर है 1,498 के, ये भी 90% ही टायर है। ट्रैक्टर की कंडीशन बहुत ज़बरदस्त ले रहा है, 2020 मॉडल, 5,00,000 रुपये की डिमांड है दोस्तों, हरियाणा नंबर है, ट्रैक्टर साफ है, बहुत नाम हो जाएगा, NOC निकल जाएगी। बैक साइड से देख लो, टॉप मॉडल ट्रैक्टर है, डबल DC वॉल के साथ में, ये देख लो। तो जी ट्रैक्टर है बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन का, किसी भाई को ज़रूरत होगी संपर्क कर लेना। 50 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर आता है ये,
इस साइड से देख लो आप, टॉप मॉडल ट्रैक्टर है, डबल क्लच, रिवर्स पीटीओ सब कुछ है इसमें। कंडीशन देख लो कितनी ज़बरदस्त ले रहा है। किसी भाई को ज़रूरत होगी आप संपर्क कर सकते हैं, विलेज विंडो खड़क, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में मैंने आपको ये 5 ट्रैक्टर दिखाए हैं आइसर के, आइसर 551, आइसर 485 और 2 आइसर 333 और आइसर 242। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।